May I come in? क्या हुआ था यहाँ पे? तेरा लफंगा गिरी हो गया हो तो काम की बात करें। और क्या हाल चाल है मेरे शेयर लोग, सब कुछ बढ़िया ना दोस्तों? आज की टेक न्यूज़ #32 वाले एपिसोड में आपका स्वागत है। तो बहुत सारे गमागम टेक न्यूज़ लेके मैं हाजिर हो चुका हूँ आपके दरबार, आपके फोन में। और जब तक ये सारा न्यूज मैं आप तक ना पहुंचा दूं, मेरे पिछवाड़े में आग सा लगा हुआ है। तो उस आग को बुझाने का एक ही जरिया है, वीडियो को पहुंचा देना आप तक। लगा इंट्रो, एक सेकंड। तो दोस्तों ज्यादा टेक न्यूज तो मैं आपके लिए आज नहीं ला पाया, लेकिन जितने भी हैं, ओके, आज की पहली टेक न्यूज की बात करें तो वो निकल के आती है सैमसंग के गैलेक्सी S21 के रिगार्डिंग। अभी आप बोलोगे कि भाई सब कुछ ही बता दे S21 के रिगार्डिंग, तो क्या करें, जो आएगा वो तो बताना पड़ेगा हमको। जी दोस्तों, यहाँ पे यूट्यूब पे कोई एक बंदा है जो कि पूरा का पूरा S21 का हैंड्स ऑन वीडियो पब्लिश कर दिया। बताओ, मतलब अभी ना बस स्मार्टफोन का लॉन्च डेट और लॉन्च होना बाकी है, सब कुछ पता चल चुका है, प्राइस, स्पेसिफिकेशन, प्रोसेसर, सब कुछ। अभी तो हैंड्स ऑन वीडियो भी आ गया। अच्छा, नेक्स्ट टेक न्यूज भी निकल के आती है सैमसंग की तरफ से। दोस्तों, सैमसंग का जो डिस्प्ले मैन्युफैक्चरिंग फैक्ट्री है, आपको शायद से पता नहीं होगा, मैं आपको बता देता हूं। वो फैक्ट्री बेसिकली मतलब एस्टैब्लिश था चाइना में, मतलब एस्टैब्लिश को क्या बोलते हैं, स्थापित था चाइना में। लेकिन अभी कहा जा रहा है कि सैमसंग वहां से उनके जो डिस्प्ले मैन्युफैक्चरिंग फैक्ट्री है उसको उठा के अपने इंडिया में एस्टैब्लिश करने की कोशिश कर रही है। तो ये बहुत ज्यादा खुशी वाली बात है। तो इसी बात पे थोड़ा सा ओके, बस। नेक्स्ट टेक न्यूज की बात करें तो वो निकल करती है नोकिया की तरफ से। दोस्तों, यहां पर नोकिया का जो मतलब लैपटॉप आने वाला था प्योर व्यू, उसका अभी नाम अनाउंस्ड हो चुका है। मीन ऑफिशियली पता चल चुका है कि इसका नाम क्या होगा। जी हाँ, ये बेसिकली एक सीरीज का एक लैपटॉप होने वाला है जिसका नाम रहेगा X14, और इनके अंदर ना i3 और i4 जैसा प्रोसेसर आपको देखने के लिए मिलेगा। तो यही स्पेसिफिकेशन और नाम, यही मुझे इसके रिगार्डिंग बताना था। लेकिन प्राइस शायद से वही ओवर प्राइस रख दे। दोस्तों, यहाँ पे ट्रैकिंग टेक यूट्यूब चैनल से हमको जो पता चला था कि इन्फिनिक्स का जो वो बर्फी वाला फोन का क्या नाम था, इन्फिनिक्स 08i के साथ और एक बजट कैटेगरी का स्मार्टफोन इन्फिनिक्स लॉन्च करने वाला था, और अभी उस स्मार्टफोन का नाम और थोड़े बहुत स्पेसिफिकेशन और प्राइस, अच्छा उसके साथ इसका फर्स्ट लुक भी आपको यहाँ पे दिखा दूंगा। दोस्तों, पहले तो इस स्मार्टफोन का नाम रहेगा इन्फिनिक्स स्मार्ट HD। दिखने में स्मार्टफोन कुछ ऐसा है। स्पेसिफिकेशन की बात करें तो लगभग 5000 mAh का बैटरी रहेगा, यही पता चल पाया है। और पीछे की साइड में अगर आप ध्यान से देखें तो वहां पे आपको बैक साइड में फिंगरप्रिंट सेंसर भी मिल रहा है। लीक्ड, मतलब चारों तरफ से सिर्फ लीक हो रहा है। दोस्तों, यहाँ पे मी 11 वाला जो स्मार्टफोन है Xiaomi का, उसका भी लीक टीम में जा रहा है। और देख के जहां तक पता लग रहा है कि ये तो मतलब जानबूझ के लीक किया गया है। देखिए, मतलब ऑफिशियल इमेज कैसे लीक हो सकता है, बताइए। तो मी 11 जो है बिल्कुल ऐसा आने वाला है। कैमरा कटआउट जो है वो थोड़ा सा अलग शेप का रहेगा, जो कि मुझे तो पर्सनली बहुत अच्छा लगा। और आपको ये कटआउट कैसा लगा मुझे जरूर कमेंट करके बताना। ओके, यहां पे दोस्तों मैं ना थोड़ा सा डरा हुआ हूं। अभी आप पूछिए क्यों? क्योंकि दोस्तों यहां पे टिकटॉक वाला जो मुजरा बहुत दिनों से अपने इंडिया में चल रहा था, और कुछ ही दिनों पहले, नहीं कुछ दिन नहीं, बहुत दिन हो गए, टिकटॉक को बैन कर दिया गया अपने इंडिया से। तो वो मुजरा अभी तक तो बंद था, मतलब पूरी तरीके से नहीं, लेकिन हाँ थोड़ा बहुत बंद था। लेकिन अभी कहा जा रहा है कि बाइटीटॉक के नाम से वापस से शायद से इंडिया में टिकटॉक आ सकता है, लेकिन जहां तक मुझे लगता है कि नहीं आएगा, मुझे जहां तक लगता है। अच्छा दोस्तों, यहां पे रियलमी का ना एक नया स्मार्टफोन मतलब वाईफाई सर्टिफिकेशन के ऊपर लिस्टेड हुआ है। बहुत सारा स्मार्टफोन रियलमी बैठा हुआ है, लेकिन मतलब 2021 आएगा और एक एक करके भेजता रहेगा। बहुत मजा आएगा 2021 में। अच्छा, मॉडल नंबर की बात करो तो वो है RMX 3201। ओके दोस्तों, आज की टेक न्यूज की पाठशाला भी यहीं पे खत्म हो जाती है। वैसे अगर वीडियो आपको पसंद आया कहीं पे भी, वही टाइम पे मार देना लाइक, मैं आज सिखा रहा हूं आपको, जहां पे भी अच्छा लगे मार दो लाइक, और ज्यादा अच्छा लगे तो लाल कर दो चैनल को सब्सक्राइब वाला बटन मार के। ठीक है, चलता हूं।